बहन भाई का त्यौहार जो कि 2024 में ये मनाया जा रहा है, बट यहाँ तो ये बहन कहेगा या बहन ही कहेगा है। हाँ, बड़े भाई साहब की पुत्री और छोटे भाई साहब का पुत्र दोनों मिलके रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। अब यहाँ इन्होंने जो राखी है, इन्होंने जो लेडीज को बांधी जाती है वो राखी होती है, और जो लड़के को बांधी जाती थी वो रखा कहलाता था। तो ये उन्होंने साड़ी दान में दी है। ये तो अलाउड होता है, तो पहले ये रखा जो राखी होती थी वो असली बहन भाई जो कि शायद बचपन में एक दूसरे से खूब लड़ते होंगे, पर रक्षाबंधन का त्यौहार ही एक ऐसा होता था जहाँ भाई को बहन राखी बांधती थी और भाई फिर पैर छूता था। पर शायद बचपन में जब बराबर के थे ना, तब तो ये पैर बोले, पैर तो मैं नहीं छूँगा, बट अब बड़े बड़े हो गए हैं। हाँ, तो अब इनका जो प्यार है वो रियलिस्टिक वे में बदल गया है। यहाँ भी राखी बांधी जा रही है, जबकि फीमेल के जो बांधी जाती थी वो राखी कही जाती थी, और जो मेल के बांधी जाती थी वो रखा कहते थे, राखी रखा। अब वो रखा तो कहीं शायद रखा ही हो गया, कहाँ रखा होगा, बट पहले तो रखा बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्पेशल स्टाइल के हुआ करते थे। तो इन्होंने राखी बांधी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दोनों को, थैंक यू। यहाँ पर बुआ जी ने भी अपने भतीजे के राखी बांधी है। ये भी बेचारी 250 किलोमीटर दूर से चल के सुबह सुबह 5 बजे निकली थी और यहाँ पर आ गई हैं। और ये शहर के भतीजे हैं, इन्होंने तो भरपेट खाना खा लिया और उसके बाद सो भी लिए। अब राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। चलो, इनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लगे हाथ बुआ जी ने, असली रिश्ते, असली बुआ जी, असली भतीजे ये सब कहलाते हैं। तो ये ब्लड रिलेशन जो होते हैं, ऐसे तो राखी कहीं भी बंधवा लो, पर जो ब्लड रिलेशन की राखी होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ये ऐसे ही अगली साल फिर से आएं और फिर राखी बंधवाएं, बांध के जाएं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। ये राखी एक ऐसी है जो कि कोरियर से आई है, और ये कोरियर वाले ने भी, भेजने वाले ने एक लिंक भेजा था, तो हमने देखा कि आखिर ये लिंक हमारे पास कैसे आ रहा है। तो पता लगा कि ये हमारी सुपुत्री ने हम ही को राखी भेजी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन नहीं सुपुत्री, तो भी ऐसे ही खुश रहे, और काश तो सामने खड़े होकर ऐसे ही राखी बांधती तो शायद और भी दिल खुश हो जाता। अभी जब तुम्हारे भी पैर छू सकते हैं, पुत्री के चक्कर में दूसरी पुत्री के पैर छू के हम अपना फर्ज निभाए हैं हमारी सुपुत्री के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी राखी बहन, खुश रहियो। थोड़ा और बोल, दूर से राखी आई है ना। हाँ, थैंक यू राखी भेजने के लिए, क्या नहीं आता। अच्छा, हाँ, अब ये बड़े हो गए हैं, आप अपनी राखी इनमें से पहचान सकती हैं कि कौन कौन सी राखी आपने भेजी थी। मेरे वाले में भी आप देख सकते हैं कि आपकी राखी यहाँ बंधना ने बांधी है। अरे भाई, अलका यहाँ नजर नहीं आ रही, तो अलका के लिए आप भी कुछ बोल दीजिए। मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो देखे बहुत टाइम हो गया उनको। कोई बात नहीं, ऐसे मनोनीत करके बोल दीजिए, एज्यूम करके। थैंक यू अलका दीदी। अलका के लिए आप भी बोल दीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन उसके लिए, बहुत बहुत मुबारक हो उसको। पर आ जाती तो अच्छा लगता, आती नहीं है। चलो, राखी भेज के बस फ्री कर देती है।
आप भी बोल दो, अलका को जानते हो आप? क्यों जानती नहीं हूँ? हाँ बोलो उसके लिए, बोलो रक्षाबंधन शुभकामना है। मैंने रक्षाबंधन की शुभकामना है। हाँ अब उसकी बुआ जी भी बोलेंगी। हाँ तुम भी बोलो, तुम्हें ज्यादा बोलना है थोड़ा। हाँ बोलो रक्षाबंधन की शुभकामना है। रक्षाबंधन की शुभकामना, और अलका सामने होती तो और अच्छा लगता। हाँ हम भी बहुत दूरते आए, अलका भी आ जाती तो और बढ़िया लगते। हाँ रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए दूरी कोई दूर नहीं है। हाँ कोई दूर नहीं, वो भी आ जाती हमारे घर, ये आए हेलो। हमारी शुभकामनाएं हैं, आपने रक्षाबंधन होली नए हैप्पी न्यू ईयर में आप हम सबको याद रखते हो, यही बहुत अच्छी बात है। और ये दो दो यंग आपसे छोटे, चलो थैंक यू अलका।